हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी एंड माय टुडेज टॉपिक इज निफल एब्जॉर्प्टिव इफेक्ट। निफल एब्जॉर्प्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये एक तरीके का ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एक्सपेंशन इफेक्ट, मींस कि मेटल में ऑर्बिटल्स का साइज छोटा होगा लेकिन जब वो लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो जाता है। पहले ये इलेक्ट्रॉन केवल, जैसे ये dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल है जिसे मैंने ब्लैक कलर से बनाया, और रेड कलर वाला सपोज dxy ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन dx स्क्वायर y स्क्वायर में है, दूसरा dxy में है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होने से इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो स्पेस है या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डेंस है, स्पेस कम है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस है, लेकिन जब ये लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो यहां सीएफटी का फेलियर नजर आता है हमें। सीएफटी ने अपने आप पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन सीएफटी ने मेटल लिगेंड बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर नहीं किया था, उसने कौन सा बॉन्ड कंसीडर किया था, आयनिक। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, उसकी लिमिटेशन कि जैसे जैसे इस बॉन्ड में हम ऐसा लिगेंड लेके आए जिसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि सॉफ्ट लिगेंड्स हम काम में लेके आए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम हमें मिलता है। इट मीन्स जैसे जैसे कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि निफल एब्जॉर्प्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर आने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होने से रैका पैरामीटर जो बी की वैल्यू है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये बी नॉट मेटल आयन के लिए एंड से इट्स वैल्यू इज 1 फॉर गैसियस स्टेट जब कोई लिगेंड नहीं है, लेकिन अगर मैं मेटल को सराउंड कर दूं लिगेंड से, और फर्स्ट मैंने कौन सा लिगेंड लिया, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड क्योंकि एक हार्ड लिगेंड है, इसका पोलराइजेशन नहीं होता, ये आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रहता है, तो अब बी की जो वैल्यू है रेका पैरामीटर की, जो बी कॉम्प्लेक्स जो है वैल्यू सपोज वो 0.8 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन बी नॉट विल बी इक्वल टू 0.8। लेकिन अगर मैं फ्लोराइड की जगह आयोडाइड लिगेंड ले लू, तो ये क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर, तो अब मैंने नेचर ऑफ लिगेंड ही चेंज कर दिया, फ्लोराइड की जगह आयोडाइड ले लिया, तो अब यहाँ ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक्सपेंशन और ज्यादा होगा, रिपल्शन और कम होगा, तो बीटा बी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, सपोज वो अब 0.6 ही रह गई, तो फिर बीटा की वैल्यू भी क्या रह जाएगी, 0.6 रह जाएगी, तो बीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी जैसे जैसे कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होंगे। तो हम यहाँ कैसे देखते हैं कि अगर आयोडाइड के लिए आयोडाइड लिगेंड है तो 0.6 और फ्लोराइड लिगेंड है तो 0.8, तो अगर क्लोराइड होगा तो क्या होगा, नेचुरली इन बिटवीन होगा, ब्रोमाइड होगा तो वो भी क्या होगी, उसकी वैल्यू इन बिटवीन होगी। तो यहां मैंने दिखाया कि क्योंकि आयोडाइड एक सॉफ्ट लिगेंड है, फ्लोराइड एक हार्ड लिगेंड है, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, निफल एब्जॉर्प्टिव इफेक्ट की वैल्यू कम होती है। बी की वैल्यू यानी कि इसका जो रेशियो है, बीटा डैश जो रेशियो है वो किसकी तरफ मूव करता है, 1 की तरफ मूव करता है जैसे जैसे हम हार्ड लिगेंड की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे हम सॉफ्ट की तरफ आते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती जाती है और वो टुवर्ड्स 0 अप्रोच करती है। ये सिर्फ मैं डायरेक्शन बता रही हूँ कि वो हायर डायरेक्शन में है और वो लोअर डायरेक्शन में जाती है। नाउ वी सी निफल एब्जॉर्प्टिव सीरीज। निफल एब्जॉर्प्टिव सीरीज में क्या होता है, एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया कि एक्सपेंशन से होता है, तो मेटल और ये लिगेंड, मेटल लिगेंड बॉन्ड में जैसे जैसे कोवेलेंट करेक्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो क्लाउड है, अगर आयनिक होता तो इसी के पास रहता, लेकिन कोवेलेंट करेक्टर से वो क्लाउड क्या होता है, दोनों के
सेंटर में, मिड ऑफ द मेटल एंड लिगेंड आता जाता है, तो कोवलेंट करेक्टर से निफल एजेप्टिक इफेक्ट इंक्रीज होता है। और कैसे, किस सीक्वेंस में इंक्रीज होता है, वो ये है। फ्लोराइड क्योंकि हार्ड लिगेंड है तो ये इसका सबसे कम करेक्टर होता है, कम इफेक्ट होता है। इसके बाद वाटर का आप देख रहे हैं, फ्लोरीन के कंपैरिजन में वाटर की नेगेटिविटी कम है, ये इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट है। देन यूरिया, देन अमोनिया, देन इथाइलिन डायामीन, देन आइसोथायोसाइनेट, क्लोराइड, साइनाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है सल्फाइड की, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी भी कम है और नेगेटिव चार्ज भी क्या है इसके पास ज्यादा, तो ये इन सब में सबसे सॉफ्ट लिगेंड है। इसके लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ निफल एजेप्टिक इफेक्ट होती है और हाईएस्ट इसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हम इसको कैसे मेजर करते हैं कि भाई ये निफल एजेप्टिक इफेक्ट यहाँ ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम ईपीआर स्पेक्ट्रम देखें मेटल आयन का गैसियस स्टेट में, तो वी गेट सिंगल पीक, मींस अनस्प्लिटेड पीक हमें मिलता है। लेकिन अगर हम उसी ईपीआर स्पेक्ट्रम को सेम मेटल आयन का देखें लिगेंड की प्रेजेंस में, मींस जब उसने कॉम्प्लेक्स बना रखा उस मेटल आयन ने, तो वी गेट स्प्लिटेड पीक। तो स्प्लिटेड पीक क्यों मिलता है हमें, बिकॉज ऑफ निफल एजेप्टिक इफेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ निफल एजेप्टिक इफेक्ट, इसमें हम क्या देखते हैं कि बी नॉट इज द रेका पैरामीटर फॉर गैसियस मेटल आयन और फ्री मेटल आयन, वेयर इज बी इज द रेका पैरामीटर फॉर मेटल इन कॉम्प्लेक्स। तो इनका जो ये फॉर्मूला है, इट डिनोट्स और इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज रिडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसकी हेल्प से हम परसेंटेज रिडक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये इक्वल टू होता है H इंटू K। वट आर H एंड K, दे आर इम्पेरिकल कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल आयन, वेयर एज द वैल्यू ऑफ H डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। तो इन दोनों ही के ऊपर डिपेंड करता है परसेंटेज रिडक्शन। अब सपोज किसी के लिए आपको वैल्यू गिवन है एग्जाम में, न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं कि सपोज आपको H की वैल्यू गिवन है 0.1 एंड K की वैल्यू गिवन है 0.5 या 0.6, कुछ भी आपको गिवन हो सकती है। तो यहाँ आप ये मैंने लिया 1.0, सपोज K की वैल्यू आपके लिए 1.0 है, तो H इंटू K क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 1.0 मीन्स 0.1, और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट परसेंटेज रिडक्शन इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो वो मेरे पास आता है 10%। और अगर ये 1 की जगह कुछ और होता, मीन्स 1 से कम होता, या ये 0.1 की जगह क्या होता कुछ और 0.2, 0.3, तो परसेंटेज रिडक्शन की वैल्यू भी क्या आती, डिफरेंट आती। या कुछ केसेस में आपको B नॉट और B की वैल्यू दे दी जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट H एंड K। और H एंड K कैसे, कि आपको टोटल परसेंटेज ऑल्सो गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे उससे H एंड K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान दीजिए कि जो B कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू होगी, लेकिन B नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 1। लेकिन किसी स्पेशल केस में वो क्या कर सकता है, आपको कह सकता है कि इसकी वैल्यू 1 नहीं, समथिंग एल्स है। तो जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी, अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज, और अगर आपको ये वैल्यूज गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज, और अगर ये गिवन है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज रिडक्शन इन कोवलेंट आयनिक करेक्टर या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यही एक सीएफटी की क्या है, लिमिटेशन है। सीएफटी ने अदरवाइज बहुत सारी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया, लेकिन ईपीआर में हमें हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्यों मिलती है ये हमें एक्सप्लेन नहीं हुआ, या उसकी जो वैल्यू है रेका पैरामीटर की वैल्यू वो डिफरेंट क्यों आ रही है, वो 1 आनी चाहिए अगर वो आयनिक बॉन्ड ही है। तो इस लिमिटेशन को वी कैन एक्सप्लेन ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट करेक्टर, अगर हम मेटल लिगेंड बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर को कंसीडर करते हैं। इसीलिए
सीएफटी के बाद हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। अगर सीएफटी अपने आप में रिच होती, वो सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करती, तो शायद हमें एमओटी और लिगेंड फील्ड थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि हमें वो पढ़नी पड़ती है, इट मीन्स कि वो दी गई है, इट मीन्स सीएफटी में क्या था, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट निफेलोक्सिप्टिक इफेक्ट, और इनकी हेल्प से, रेका पैरामीटर की और निफेलोक्सिप्टिक इफेक्ट की हेल्प से, वी कैन कंस्ट्रक्ट कोरिलेशन डायग्राम एंड टैबो-सुगैनो डायग्राम्स, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन माई कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।